दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में स्थित महात्मा गांधी के तैलचित्र पर पुष्पार्चन कर राष्ट्रपिता के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा संवाद भवन में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के द्वारा महात्मा गांधी एवं शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। इस संबंध में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि आज यही संदेश है कि हम गांधी जी तथा शास्त्री जी के संदेशों का पालन करें, उस पर चर्चा करें और उनको अपने जीवन में उतारें। अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रसिद्ध कथन की चर्चा करते हुए कहा कि गांधी जी भारत के ही नहीं विश्व के शांति दूत हैं। हम गांधी जी के विचारों को अपने जीवन शैली में अपनाएं। हम 21वीं सदी तथा नई शिक्षा नीति पर कार्य कर रहे हैं। आज बाजार आधारित शिक्षा तथा प्रतिस्पर्धा का दौर है, लेकिन हम मूल आधारित शिक्षा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इन महापुरुषों के विचारों पर आधारित शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी कहते थे कि आज़ादी का कोई अर्थ नहीं अगर इसमें गलतियों से सीखने की आज़ादी ना हो। छात्र उनकी जीवन शैली को समझ और अपने जीवन में उतार सकते हैं, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुष्पांजलि किया जा रहा है। सम्मानित शिक्षक गण के द्वारा हमारे पुष्पांजलि किया जा रहा है। वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है, हमारे शिक्षक दोनों गांधी जी को वरन हम एक सशक्त संभालेंगे तभी एक सशक्त गांधी में कंसर्न वर्ष की है, उत्तर प्रदेश हमारे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों का जन्म दिवस है कि किसी भी और आज मुझे ऐसा लगता है 26 जनवरी और 15 अगस्त के बाद अगर जो कोई एक शख्सियत है जो हमारे भारतीयता पे करती है वो 2 अक्टूबर है। हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे जिनके आदेशों को उनके वाक्यों को उनके उनके जीवन शैली को याद करें और अपनी जीवन शैली में ढालने की कोशिश करें। इसीलिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं सभी लोग। हम लोग यहाँ पे कुछ भजन का भी कार्यक्रम है और मैं यही संदेश दूंगा कि मेरे छात्र हमारे शिक्षक उनकी जो उनके संदेश थे उनके आदेश थे उस पर उसको अपने आचरण में ढालने की कोशिश करें।